हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेपरेशन टेक्निक। अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स का जिक्र किया था, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टेक्निक से हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, यानी कि किसी लिक्विड में से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। तो बाय फिल्ट्रेशन। जी हाँ, दिस प्रोसेस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। जी हाँ, ये तकनीक सिर्फ तभी कारगर है जब हम लोग जो लिक्विड ले रहे हैं उसमें जो सॉलिड हम लोग डाल रहे हैं वो इनसोल्युबल हो। जी हाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है उस पर ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होगी। ये टेक्निक एप्लीकेबल होगी जैसे सैंड और वाटर, सॉयल और वाटर, इस टाइप के जो हमारे पास मिक्सचर्स होंगे, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पर। तो फिल्टर पेपर यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस टेक्निक में। तो सबसे पहले फिल्टर पेपर की हम लोग बात करें। फिल्टर पेपर जो होता है वो थोड़ा सा पोरस नेचर का होता है। फिल्टर पेपर जैसा कि आपको ए पोर्शन में दिखाया गया है, हमने एक राउंड फिल्टर पेपर लिया है, उसके बाद हमने उसको फर्स्ट फोल्ड देना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग उसको फनल में, क्योंकि हमें उसे सेट करना होता है, तो हम फर्स्ट फोल्ड देंगे। फर्स्ट फोल्ड के बाद सी जो आपको दिखाया गया है, सी के लिए हमने सेकेंड फोल्ड दिया है, उसके बाद हमने उसको कोन शेप दी है। जी हाँ, डी डायग्राम आप देख रहे हैं। तो कोन शेप देने के बाद हमने, जब वो फनल की शेप का हो जाएगा, हमने उसको फनल में सेट कर देना है। तो उसका जो फोल्डेड है, यानी कि फिक्सिंग ऑफ द फोल्डेड फिल्टर पेपर इन अ फिनल, बिल्कुल हमने अच्छे से उस फिल्टर पेपर को फनल में सेट कर देना है। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं टेक्निक की। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फिल्टर पेपर हमने लिया है। तो फिल्टर पेपर को मैं जूम कर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो फिल्टर पेपर है ये पोरस नेचर का होता है। जी हाँ, अगर हम लोग पोरस नेचर का फिल्टर पेपर नहीं लेंगे तो इसमें से हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक सॉयल और वाटर का मिक्सचर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से जो फिल्ट्रेट है वो आना शुरू हो गया है। ऊपर से हम लोग मिक्सचर को डाल रहे हैं और नीचे से हमें फिल्ट्रेट जो है वो मिल रहा है। आप ऊपर देखेंगे फिल्टर पेपर पर तो आपको काफ़ी सारे सॉइल के जो रेसिड्यू हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये डॉटेड जो चमक रहे हैं आपके सामने, ये सभी के सभी सॉइल के पार्टिकल्स हैं। और नीचे हमारा फिल्ट्रेट यानी कि क्लियर वाटर जो है वो हमें मिल गया है। तो दोस्तों, इस टेक्निक का यूज़ हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं। जी हाँ, हम जब चाय को छानते हैं, जी हाँ, चाय बन जाती है, उसके बाद चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती जो है वो हमारी छलनी पर ही रह जाती है, और जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है यानी कि वो चाय होती है। तो बहुत सारी ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस टेक्निक की एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक क्लियर हो गई होगी। और अभी बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मिक्सचर्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो अगली ही वीडियो में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।